अगर आपके पास कोई आपका डॉक्यूमेंट है स्कूल कॉलेज या फिर कहीं की कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है जिसकी अगर आपने स्कैन कॉपी अपने फ़ोन में स्टोर करके रखी हुई है लेकिन उसकी फाइल साइज बहुत ही ज़्यादा है अगर आप उसकी फाइल साइज को कम करना चाहते हैं बिना उसका क्वालिटी लॉस किए हुए तो कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को तक देखते रहिए चलिए शुरू करते हैं ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट है मान लेते हैं कि यही डॉक्यूमेंट आपका है इसकी यहाँ पे साइज़ मैं पहले आपको दिखलाता हूँ इसकी साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन पाँच एम से ज़्यादा की ये यह फ़ोटो यहाँ पे है अगर मैं इसको स्कैनिंग ही कर लेता हूँ किसी भी डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्लीकेशन से तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैन कर लेते हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन यहाँ पे है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अगर आपको जानना है कि ये कौन सा एप्लीकेशन और किस तरीके से वर्क करता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में रिव्यू किया इस एप्लीकेशन को और सभी चीज़ें इस एप्लीकेशन के बारे में बताई हुई हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका एक ब्लैक एंड वाइट एक कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है मेरी ठीक है अगर यहाँ पे मैं इसकी साइज़ आपको दिखलाऊँ तो अभी भी ये इमेज जो है वो सेवन फोर्टी सिक्स के बी की है अगर इस डॉक्यूमेंट की साइज को मुझे कम करना है बिना क्वालिटी लॉस हुए तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फोटो एंड पिक्चर रिसाइज़र ये आपको एक, एक एप्लीकेशन मिलेगी गूगल प्ले स्टोर से जो कि फ्री है ठीक है इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करिए ओपन करेंगे एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पे सिलेक्ट फोटोज का ये ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है और आप चूज कर लेंगे कि आपको अपने किस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो की साइज को कम करना है अब जैसे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले इसको मैं अपने फ़ोन की गैलरी में कॉपी कर लेता हूँ ठीक है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो अब यहाँ पे ये यह इमेज जो है इस एप्लीकेशन के अंदर दिखाई दे रही होगी ठीक है वापस से ओपन कर लेते हैं या देखिए ये सेवन फोर्टी सिक्स के बी की यहाँ पे मेरी ये डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए अब ये है इसको रिसाइज करने के लिए यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन ये दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ परसेंटेज वाइज दिया गया है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट को कितने परसेंट तक डाउन करना है तो आप यहाँ परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं साइज में भी रिसाइज कर सकते हैं और अगर आपको के बी में चाहिए तो आप के बी में भी कर सकते हैं तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे थ्री हंड्रेड के बी तक में चाहिए तो मैंने यहाँ पर थ्री हंड्रेड के बी एंटर कर दिया ये एक ऐड आएगी इस ऐड को भी मैं बंद करने का आपको यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पे थ्री हंड्रेड में ये इमेज को सिलेक्ट किया कि मुझे थ्री हंड्रेड में चाहिए तो पहले हमारी जो इमेज थी वो ये थी जिसमें सेवन फोर्टी की यहाँ पे ये साइज़ थी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं और रिसाइज होने के बाद ये थ्री हंड्रेड के बी में आ चुकी है और इसकी आप यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हैं देखिए दोनों में किसी भी तरीके की कोई अंतर ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही होगी अगर मैं यहाँ पे भी जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए टाइमिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मुझे टाइमिंग दिखाई दे रही है ये आपकी फ़ोन की गैलरी में जाकर ऑटोमेटिक सेव हो जाती है मैं आपको यहाँ पे गैलरी ओपन करके भी दिखाता हूँ ये देखिए ये फोटो रिसाइज होने के बाद ये हमारी गैलरी में आकर सेव हो चुकी है जिसकी साइज यहाँ पे थ्री हंड्रेड के बी है तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप कुछ आ, मतलब परसेंटेज वाइज में कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 25 परसेंट में करूँगा तो ये 25 परसेंट तक आपकी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को डाउन कर देगा ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए फाइव एम बी सॉरी सेवन फोर्टी सिक्स के बी की इमेज थी जो कि अभी वन नाइन्टी सिक्स के बी में आ चुकी है और आपकी गैलरी में जाकर ऑटोमेटिक सेव भी हो गई होगी ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी साइज आपको दिखाऊँ तो वन नाइन्टी सिक्स के बी है ठीक है तो इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा अब रही बात कि इस एप्लीकेशन में अगर ऐड आएगी और उस एड को आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर होल्ड करके रखिएगा ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा इस पर आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको ये रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज का ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा इन दोनों को अनटिक कर देना है ओके okay कर दीजिए और बस अब आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अपने इस एप्लीकेशन का यूज करके अपनी डेटा को मतलब अपने फोटो की साइज को कम करिए आपको किसी भी तरीके की एड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी ठीक है मैं आपको एक बार और भी दिखला देता हूँ अगर मैं इसको 50 परसेंट तक डाउन करता हूँ तो ऐड नहीं आएगी ठीक है अगर वापस से भी ऐड आती है तो एक बार आपको और चीज करना होगा यहाँ पे क्लियर डेटा है ये क्लियर डेटा कर देंगे ताकि जो भी उसके अंदर एड वगैरह डाउनलोड हो गई होगी कैसे फाइल के रूप में वो एक बार आप क्लीन कर देंगे और अब तो इसके बाद 100 परसेंट की गारंटी है एक भी एड नहीं आएगी ठीक है एक भी एड नहीं आएगी इसकी गारंटी है यहाँ पर अब देखिए मैं अलाउ यहाँ पे एक फोटो की साइज को कम करते हैं और फोटो साइज हो गया है, रिसाइज हो गया लेकिन ऐड नहीं आई दोबारा से करते हैं ये ऐड नहीं आई और रही बात इन सारे एड्स की तो ये एप्लीकेशन में इनबिल्ट होता है ऐड, जो कि आपको दिखाई देता है तो इसको रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हाँ, जो डिस्टर्ब करने वाली जो फ्रंट में एड्स uh, वगैरह आ रही थी वो नहीं आएगी इसकी गारंटी है तो बस फिलहाल आज की वीडियो में से इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। जय हिंद